हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस पॉलिटिकल साइंस का कराने वाला हूं, यानी भारतीय जो राजनीति व्यवस्था है या राज्य व्यवस्था है, जिसको इंडियन पॉलिटी भी कहते हैं, उससे जो टॉप प्रश्न है, उन टॉप प्रश्न को मैं आज आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। और जो भी ग्रुप डी के स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, 67वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और अभी हाल ही में एमटीएस का परीक्षा दे रहे हैं, या अभी जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यहां से निश्चित रूप से प्रश्न पूछेगा ही। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूँ। चलिए देखिएगा, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अब इसमें देखिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। आप ये याद रखिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरा प्रश्न देखिएगा दोस्तों, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, यदि आपको पूछा जाए संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितने अनुसूचियाँ हैं, तो याद रखिएगा 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। उसके बाद इसमें एक बात और जान लीजिएगा, यदि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या पूछे तो आप आंसर कीजिएगा 8, क्योंकि मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी, 12 वर्तमान समय में है। मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे, तो 0, याद रखिएगा मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितना था, 0 था। जबकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है, ये अति महत्वपूर्ण सवाल है। उसके बाद देखिए, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का ए में है, जो एक कानूनी या विधिक अधिकार है। आपको पूछा जाता है कि संविधान का अधिकार किस तरह का अधिकार है वर्तमान समय में, तो एक कानूनी या विधिक अधिकार है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, इसके बारे में देखिएगा, इसका अध्यक्षता जो है केंद्रीय गृह मंत्री करता है। उसके बाद क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है किसके द्वारा हुआ है, तो संसदीय कानून द्वारा हुआ है, आप ये याद रख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा, क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में किया गया, यानी क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में प्रावधान 1956 ईस्वी को किया गया। अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 263। नेक्स्ट देखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंतरराज्यीय परिषद का गठन आर्टिकल 263। उसके बाद है अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण, अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है संवैधानिक प्रावधान द्वारा, याद रखिएगा ये अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण जो है ये संवैधानिक प्रावधान के द्वारा होता है। उसके बाद अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 28 मई 1990 ईस्वी को की गई थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ, तो कौन प्रभावित हुआ था, वित्त आयोग। आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, या किसका विचार है, तो अशोक चंदा का विचार है। उसके बाद योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी। और आपको पता होगा कि सुपर कैबिनेट भी योजना आयोग को कहा जाता है, किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है, तो राइट आंसर होगा योजना आयोग, लेकिन वर्तमान समय में योजना आयोग नहीं है, इसके स्थान पर नीति आयोग है। इससे संबंधित मैं आगे बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को बताने वाला हूँ। योजना आयोग क्या है, तो एक परामर्शदात्री संस्था है। उसके बाद योजना आयोग का स्वरूप कैसा है, तो ये भी परामर्शदात्री संस्था है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है, आप इसको वन लाइनर के रूप में देख सकते हैं। योजना आयोग के स्थान पर आपको पूछा जा सकता है, योजना आयोग के स्थान पर कौन से आयोग की स्थापना की गई है, राइट आंसर होगा नीति आयोग की स्थापना की गई है। नीति आयोग कब स्थापित की गई है, तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को स्थापित की गई है। उसके बाद देखिएगा, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो राइट आंसर प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है,
तो ये परमेश्वरन अय्यर है। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बैरी है। नीति आयोग जो है ये थिंक टैंक का काम करता है, ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह तीन महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि नीति आयोग किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर काम करता है। पंचवर्षीय निकाय वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो ये पांच वर्षीय संस्था है वित्त आयोग, और इसकी स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसके बाद देखिएगा, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो ये पांच वर्ष के लिए होता है। उसके बाद राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए करता है? पांच वर्ष के लिए, यानी राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा, वित्त आयोग का प्रधान कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। उसके बाद केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। यानी केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम वित्त आयोग करता है। उसके बाद देखिएगा, राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? तो राइट आंसर होगा वित्त आयोग। भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है राज्यों और केंद्र के बीच वित्त से। उसके बाद देखिएगा, भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो राइट आंसर होगा वित्त आयोग। ये सभी वित्त आयोग के काम है दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? ये गलत लिखा है, किया जाता है। तो राइट आंसर होगा वित्त आयोग 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की व्यवस्था है? तो राइट आंसर होगा चार। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वर्तमान समय में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है एनके सिंह। और कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व की सहायता देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। उसके बाद देखिए, भारत में लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर होगा मार्च 1954 ईस्वी में। उसके बाद देखिएगा, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? राइट आंसर होगा हैदराबाद में होता है। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया था किसके द्वारा? लॉर्ड लीटन के द्वारा किया गया था। उसके बाद अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन करता है? राइट आंसर होगा संसद नहीं करता है दोस्तों। इसका आंसर यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है, ये राज्यसभा करता है। कौन करता है? राज्यसभा। यानी कि अखिल भारतीय सेवा का गठन राज्यसभा का अधिकार होता है। अखिल भारतीय सेवा का गठन संसद नहीं करता है, बल्कि कौन करता है? राज्यसभा करता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने किया था? तो राजमन्ना आयोग ने किया था। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर होगा नौ। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। और वर्तमान समय में मैं आप लोग को बता देता हूं, वर्तमान समय में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं मनोज सोनी। कौन है? मनोज सोनी, डॉक्टर मनोज सोनी, याद रखिएगा मनोज सोनी यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन कितना होता है? तो 2.5 लाख रुपया पर महीना होता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। तो आज के इंडियन पॉलिटी के तहत मैं आप लोग को इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया, आप 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। निश्चित रूप से परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों यह अति महत्वपूर्ण है। यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि आप लोगों को मेरा हर महत्वपूर्ण वीडियो आसानी से मिल जाए। साथ ही साथ मैं आप लोगों को सूचना दे दूँ, प्रतिदिन क्विज के माध्यम से मैं 100 प्रश्न कराता हूँ। प्रतिदिन 8 बजे सुबह मेरे लाइव शो से जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलिए दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।